हेलो गाइस, आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट में। मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ। गाइस, काफ़ी डिमांड थी मेरे पास कि मैं बैंकिंग क्वेश्चंस कराऊं टॉपिक वाइज, तो चलिए आपकी डिमांड को पूरा करते हैं। ये आपका पहला सेट है, दो सेट वीडियोस आपको मिलेंगे और आपको हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बताएंगे। मतलब कम टाइम में आपको मैक्सिमम कंटेंट मिल जाएगा और ध्यान रहे इसी कंटेंट को फोकस करेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो लैंग्वेज को आपको ध्यान देना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लैंग्वेज को आपको ध्यान देना है, लैंग्वेज वाइज ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक वाइज हमारा आज का क्वेश्चन सेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेरा स्केड्यूल पता है, स्केड्यूल देख लीजिएगा। सबसे जरूरी बात, अगर आप टॉपिक वाइज हमारा देखें क्वेश्चन और आपको मेरा कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो मेरा कोर्स 5 अगस्त से लॉन्च हो रहा है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेकर। तो हमारे पास 6 मंथ का, 12 मंथ का एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। अब हम 12 मंथ की बात करें, अगर एक साल की बात करें, अगर एक साल का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको फीस पे करनी पड़ती है 5,000 रुपीज, लेकिन फीस है। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरे एक कोड पर फोकस करना पड़ेगा और मेरा जो कोड है वो है AM लाइव। तो मेरे कोड का नाम है AM लाइव, इसे आपको याद कर लेना है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और देख लीजिए आपकी फीस कितनी हो जाएगी, आपकी फीस हो जाएगी 4,500। आपने एडमिशन ले लिया है कोई बात नहीं है, आप दूसरों को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड आपको ध्यान देना है। चलिए, और आप 24 मंथ की बात करें, 24 मंथ का भी हमारा सब्सक्रिप्शन है, मतलब आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 24 मंथ में। देखिए, आपको 333 पर मंथ का अमाउंट पड़ रहा है और अगर फीस देखें आप तो 8,000 फीस थी इसकी और डिस्काउंट होकर 7,200 हो जाएगी इस कोड के थ्रू AM लाइव। ठीक है, चलिए, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम देखेंगे अभी? टॉपिक्स देखिए, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, नाबार्ड, आरआरबीस, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, एनपीए। तो इतने ढेर सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियोस में, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की क्या है, सारी बात करेंगे। आपको क्वेश्चन के बारे में पता भी चल जाएगा और नॉलेज भी हो जाएगी। तो हम स्टार्टिंग करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक से। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो देखो बहुत डीप में क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं आता है, और अगर आप क्लैरिकल की बात करते हैं तो वैसे भी बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस क्लैरिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज क्लैरिकल में 50 क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ 50 आप ये मान के चल सकते हैं कि 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे और 20 क्वेश्चन में बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो आप मान के चलें कि 12 से 15 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से मिलेंगे आपको, और अगर आप लास्ट 2 ईयर से बात करें तो 10 क्वेश्चन केवल फाइनेंशियल अवेयरनेस से आ रहा है। इसीलिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरे टॉपिक को देखिएगा। हिस्ट्री ऑफ बैंक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसकी बात कर ले। देखिए, तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ बैंक की बात करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ बैंक में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक में क्वेश्चन ऐसे बनता है, पहला क्वेश्चन कि भाई हमारे देश का सबसे पहला भारतीय बैंक हम किसे बोलते हैं, फर्स्ट इंडियन बैंक हम किसे बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना कि फर्स्ट इंडियन बैंक हम किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब, देखो मैं बहुत सारा चीजों को एलिब्रेट नहीं करूंगा क्योंकि ये हम एक क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट इंडियन बैंक। तो अगर एग्जाम में फर्स्ट इंडियन बैंक पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? पीएनबी। ठीक, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा था? ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक अगर आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक को हम क्या बोलते थे? ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक बोलते थे। आपका मन, आप इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ी, आपका मन आप छोड़ दी छोड़ सकते हैं, उतना जरूरी नहीं। ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक, ध्यान रहे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ओल्डेस्ट, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप आंसर करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की बात कर लें, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जस्ट लाइक कि फर्स्ट स्वदेशी बैंक, तो पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? फर्स्ट स्वदेशी बैंक, तो पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? फर्स्ट स्वदेशी बैंक था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको लर्न करना है नाम, ठीक है, फर्स्ट स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और देख लेते हैं, और क्वेश्चन की बात कर लें, तो और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है भारत का वो पहला बैंक जिसने विदेश में जाकर ब्रांच ओपन की। इंडियन बैंक पहला बैंक जो विदेश में जाकर अपनी ब्रांच ओपन किया, तो वो कौन सा बैंक था? वो था बैंक ऑफ इंडिया।
1906 में लंदन में। तो बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडियन बैंकों में से पहला बैंक था जिसने विदेश में जाके अपनी ब्रांच ओपन की थी। तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट ईयर इंडिया में 1906 था, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 1946 लंदन में बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्रांच ओपन की थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ये सब अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आता है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर। इंपीरियल बैंक काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने आपको लिखवाया उनसे इंपॉर्टेंट इंपीरियल बैंक है, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो इंपीरियल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर था 1921। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों से मर्ज होके बना, कितने बैंकों से। तो तीन बैंकों से ये मर्ज होके बना था। एक था आपका बैंक ऑफ बंगाल, तो एक बैंक था आपका बैंक ऑफ बंगाल। दूसरा बैंक था आपका बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे पहले बॉम्बे, और तीसरा बैंक था आपका बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों बैंकों को मर्ज करने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1921 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे। अच्छा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन तीनों को अगर हम मर्ज कर दें फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, तो क्या उनका बैंक बन गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, क्वेश्चन ये बन जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से आगे चल के कौन सा बैंक बना। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से आगे चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक बना था, ये भी याद कर लीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कब बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर था 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। एक क्वेश्चन ये बन चुका है एग्जाम में कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया, कौन सी कमेटी थी। तो कमेटी के नाम की बात करें तो कमेटी का नाम क्या था, कमेटी का नाम था एडी गोरेवाल, एडी गोरेवाल कमेटी, या फिर इसका एक नाम और भी था ऑल इंडिया, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, या इस कमेटी के चेयरमैन थे एडी गोरेवाल, तो एडी गोरेवाल कमेटी भी हम बोलते हैं। तो इनके रिकमेंडेशन पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। तो ये पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बैंक की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपका, तो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनेगा हम देख लेते हैं। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बनता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन बनता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। इस कमेटी का एक नाम और भी था रॉयल कमीशन, तो रॉयल कमीशन भी कभी कभी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना। आरबीआई का एक्ट कब पास हुआ, तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ था, आरबीआई एक्ट पास हुआ था, ठीक है। और आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी। तो जब आरबीआई बना तो आरबीआई कैसा बैंक था, आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, याद रखना आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था। जब आरबीआई बना तो आरबीआई की इनिशियल कैपिटल कितनी थी, तो आरबीआई की इनिशियल कैपिटल प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, आरबीआई की इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी, ठीक है। जब आरबीआई बना तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे था और किस ईयर में चेंज होकर ये मुंबई पहुंचा, तो जब आरबीआई बना तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता, मतलब आज के टाइम पर कोलकाता हो चुका है, तो कोलकाता में था। और ये 1937 में चेंज होकर मुंबई पहुंच गया था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जो थे इनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। मिस्टर जेम्स टेलर आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे, टेलर। और आरबीआई के थर्ड गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के जो थर्ड गवर्नर थे वो सी डी देशमुख थे, ठीक है, सी डी देशमुख थे। तो ये कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन है आरबीआई के जो आपसे पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, ठीक है।
अभी आरबीआई पे और क्वेश्चन की हम बात करेंगे आगे टॉपिक पे जाके, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनते हैं ये सब दिखा दिया मैंने, और क्वेश्चन आपका जो बनता है वो बनता है नेशनलाइजेशन से, जरूर बने क्वेश्चन, ठीक। तो बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है उस पर क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हमारे देश में पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, हमारे देश में पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो कब हुआ 19 जुलाई 1969 में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे, और इन 14 बैंकों को सिलेक्ट कैसे किया गया था, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि ऐसे बैंक जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या फिर उसके ऊपर होगी और अबव होगी उनको हम नेशनलाइज कर देंगे, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। बैंकों का दोबारा राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो बैंकों का दूसरा जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980, तो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। टोटल 6 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे, ऐसे बैंक जिनकी कैपिटल 200 करोड़ या उसके ऊपर थी और अबव, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन कब बनता है आपका, एक क्वेश्चन बनता है वो कौन सा एक्ट है जो आरबीआई को पावर देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों पर अपना कंट्रोल कर सकता है, या क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, हमारे देश में जो बैंक वर्क कर रहे हैं वो किस एक्ट पर वर्क करते हैं, किस एक्ट पे वर्क करते हैं, तो वो एक्ट कौन सा है देख लीजिएगा, वो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इससे भी क्वेश्चन काफी बनता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नाबार्ड, आरआरबी, ये सब भी हिस्ट्री में आते हैं, बट अलग से टॉपिक पे हम कवर करेंगे तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बन जाता है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई के जो 5 एसोसिएट्स बैंक थे प्लस भारतीय महिला बैंक, प्लस भारतीय महिला बैंक, ये एसबीआई में मर्ज होकर खत्म हो गए थे। ये भी एक बड़ा इवेंट था बैंकिंग हिस्ट्री में, ये भी आपको लर्न करना है। उसके बाद आपने देखा कि अभी क्या हुआ, इस साल बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एंड देना बैंक, ये तीनों आपस में मर्ज होकर बैंक, ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमने प्रिपेयर कर लिया, हिस्ट्री ऑफ बैंक, क्वेश्चंस जो मैंने आपसे बोले भाषा को समझिएगा, आप जरूर डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो टॉपिक की बात करें तो इसके बाद हमें बेसिक्स ऑफ बैंकिंग पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ बैंक कंप्लीट, बेसिक ऑफ बैंकिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं आइए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बेसिक्स ऑफ बैंकिंग की बात करें तो बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में आपको क्या क्या ध्यान देना होता है, देखिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, सीधे हम क्वेश्चन पे ही आएंगे, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो कौन सा डिपॉजिट अकाउंट है जिस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो कौन सा डिपॉजिट अकाउंट है जिस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है कस्टमर को, ध्यान देना ये भी, करंट अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट से क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए। करंट अकाउंट किसके लिए होता है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, और करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिलती है, करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिलती है, यह भी आपको लर्न करना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कस्टमर को किस अकाउंट में मिलती है, तो करंट अकाउंट में मिलती है। हालांकि अगर आपका अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना में है, सेविंग अकाउंट है, तो उसमें भी ओवरड्राफ्ट मिलता है, लेकिन वो एक्सेप्शन का केस है, उसे आप यहां पे मत लाइएगा, ठीक है। तो करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट मिलता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये सब पॉइंट आपको ध्यान देना है। और क्वेश्चन देखिए, सेविंग अकाउंट से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हालांकि 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले आते थे तो आज भी आ सकते हैं। सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट कस्टमर को मिलता है वो फिक्स कौन करता है, तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स कौन करता है, वो फिक्स करता है बैंक खुद करता है। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट फिक्स कौन करता है, वो बैंक करता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि मिनिमम इंटरेस्ट कौन फिक्स करता है, तो मिनिमम में आप क्या आंसर दोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि सेविंग अकाउंट होल्डर को कम से कम 3.5% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए,
तो 3.5% आरबीआई ने फिक्स किया है, उसके ऊपर जैसे 4% तक कुछ बैंक 4 दे रहे हैं, कुछ बैंक 6 तक दे रहे हैं, तो वो बैंक के ऊपर है वो कितना देना चाहते हैं, कम से कम आरबीआई फिक्स करता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनता है कि सेविंग अकाउंट पर जो कस्टमर को इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो किस बेसिस पर होता है, क्योंकि भाई सेविंग अकाउंट में रोज लोग रोज पैसे निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो किस बेसिस पर होता है, वो डेली बेसिस पर होता है, डेली बेसिस पर होता है। ऐसे बच्चे जो कभी बैंकिंग नहीं पढ़े और एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो केवल इन सब पॉइंट को याद कर लीजिए। समझना आपको नहीं है बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, ना मेरे पास टाइम है कितनी जल्दी मैं समझा पाऊंगा आपको, तो ये रट्टा मारते रहिएगा, ठीक है। और जो बच्चे पहले से पढ़े हैं वो रिविजन कर लें अपना, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट पर डेली बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मिलता कब है, मिलता कब है, मिलता है क्वार्टरली, कैलकुलेट डेली बेसिस पर होता है, मिलता है क्वार्टरली। तो सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देख लीजिए अगर हम बात करते हैं, अच्छा सेविंग अकाउंट को और करेंट अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट के बाद एक चीज और होती है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट कौन से होते हैं, तो टर्म डिपॉजिट अकाउंट होते हैं फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी एंड आरडी। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो एफडी का मिनिमम मैच्योरिटी कितना, मिनिमम टाइम कितना होता है, तो एफडी का मिनिमम टाइम होता है 7 डेज, मैक्सिमम टाइम कितना होता है, तो मैक्सिमम टाइम होता है 10 डेज, मैक्सिमम टाइम होता है 10 डेज, तो ये आपको याद रखना है। देखिए आरडी का मिनिमम टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है, कुछ बैंक 6 मंथ देते हैं, कुछ बैंक 1 ईयर देते हैं, तो मिनिमम आरडी का मिनिमम टाइम आपसे पूछा नहीं जाएगा, और अगर आरडी का मैक्सिमम पूछा जाएगा तो मैक्सिमम 10 साल। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि भाई टर्म डिपॉजिट का मैक्सिमम टाइम कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा 10 साल, एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और बात करें इसके आगे, तो इसके बाद जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बनते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक से, बैंकों के फंक्शन से, बैंकों का फंक्शन। ध्यान देना ये सब इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, फंक्शंस ऑफ बैंक। तो जब भी फंक्शन ऑफ बैंक की बात करेंगे तो बैंक के फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो बैंक के फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। याद रखिएगा प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है ये बैंकों के मेन फंक्शन है जिसके लिए बैंक को बनाया गया था। तो बैंक को किसके लिए बनाया गया था, बैंक को बनाया गया था दो चीजों के लिए, एक लोन बांटने के लिए और एक डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए, ये बैंकों का मेन फंक्शन है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि बैंकों के प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, बैंकों के प्राइमरी फंक्शन लोन बांटना और डिपॉजिट विड्रॉल करना, यही था। लेकिन टाइम बीतते बीतते बैंकों ने और भी काम करना शुरू कर दिया। और भी काम का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस की हम बात करें, बैंक आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग दे रहे हैं, बैंक आपको डेबिट कार्ड दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं, बैंक आपको लॉकर फैसिलिटीज दे रहे हैं, बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स दे रहे हैं, है ना। ये सब बैंक के काम नहीं थे, बैंकों ने बाद में शुरू किया। बैंक आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक आजकल एज ए ब्रोकर वर्क करते हैं, आपका डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो ये सब आपके सेकेंडरी फंक्शन है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा बैंकों का सेकेंडरी फंक्शन नहीं है, सेकेंडरी फंक्शन नहीं है। आपके सामने 5 ऑप्शन होंगे जिसमें से 4 ऑप्शन सेकेंडरी होंगे, 1 प्राइमरी होगा, तो आपको ऐसे भी लर्न करना पड़ता है। इसमें से कौन सा बैंक का प्राइमरी फंक्शन है, तो प्राइमरी फंक्शन 2 ही है, लोन डिपॉजिट विड्रॉल और सेकेंडरी फंक्शन, ये सारे हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, यानी कि हमने हिस्ट्री ऑफ बैंक को देख लिया और स्ट्रक्चर और हमने बेसिक्स ऑफ बैंक को देख लिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैंक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो थोड़ा सी सफाई कर देते हैं इसकी। देखिए तो स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं बनता। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, डेफिनेशन सीधे। तो आपको पता कि शेड्यूल बैंक कौन से बैंक होते हैं, ऐसे बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2E में रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बैंक बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ठीक है। और एक चीज और, ये नॉन कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, नॉन
कमर्शियल बैंक। तो आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल है, इसमें से कौन सा नॉन कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ता है दोस्तों। कमर्शियल बैंक का मतलब होता है वो सारे बैंक जो कस्टमर डीलिंग करते हैं, मतलब कस्टमर जिस बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर से डिपॉजिट का, विड्रॉ का, चेक का, अकाउंट खुलवाने का कोई भी बात कर सकता है वो सारे कमर्शियल बैंकों में। तो ऐसे बैंक जहां कस्टमर डायरेक्ट जाकर डीलिंग करता है वो कमर्शियल बैंक होते हैं, और ऐसे बैंक जहां पे कस्टमर जाकर डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता है वो नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं। तो बेसिकली नॉन कमर्शियल बैंक डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, तो नाबार्ड को हम नॉन कमर्शियल बैंक क्यों बोल रहे हैं? तो क्यों, आपने कभी सुना किसी का नाबार्ड में अकाउंट है? कभी सुना? नहीं सुनेंगे आप। नाबार्ड हो गया आपका, एक्सिम बैंक आपका हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक आपका हो गया, सिडबी हो गया, ये सब क्या है? ये सब नॉन कमर्शियल बैंक है, ये कस्टमर डीलिंग नहीं करते हैं, ये डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। तो फिर कमर्शियल बैंक कौन से हैं? तो कमर्शियल बैंक जहां पर भी कस्टमर जाके डीलिंग कर लेता है, जैसे SBI हो गया आपका, जैसे PNB आपका हो गया, या जैसे प्राइवेट बैंक की बात करें एक्सिस बैंक हो गया आपका, सिटी बैंक, फॉरेन का बैंक जो उसकी बात कर लें, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लें, किसी भी हम पेमेंट बैंक की बात कर लें, कोई भी रीजनल रूरल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, सारे कमर्शियल बैंक। जहां पर भी कस्टमर जाता है बैंक से डीलिंग करता है वो क्या होता है? कमर्शियल बैंक होता है। तो आपको नाम से भी कभी क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लो चार ऑप्शन ये दे देगा और ये दे देगा SBI, बोलेगा इसमें से कौन सा कमर्शियल बैंक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, पहले पूछे गए हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे देश में कितने हैं। तो कुछ दिन पहले तक हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक 21 थे, लेकिन अभी कितने हैं? 18 हैं। 18 कैसे हैं? क्योंकि आपको बताया कि हमारे देश में पहले 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे, मतलब वो बैंक जो पहले प्राइवेट थे बाद में गवर्नमेंट बने, और एक था SBI 20 और एक था IDBI 21। तो हमारे देश में पहले 21 बैंक थे, सरकारी बैंक थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IDBI को प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया। कितने बचे? 20 बचे। लेकिन आपको बताया कि देना बैंक और विजया बैंक किसमें मर्ज हो गए? बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज हो गया। तो ये दोनों बैंक मर्ज हो गए, तो दो बैंक यहां से खत्म हो गए, कितना हो गया? 17 प्लस 1 18। तो हमारे देश में 18 पब्लिक सेक्टर बैंक। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा बैंक प्राइवेट बैंक है। आपको 5 नाम दे देगा जिसमें से 4 नाम सरकारी बैंक के होंगे, 1 नाम प्राइवेट बैंक का होगा। यानी आपका नॉलेज वो चेक करता है कि आपको ये पता भी है कि नहीं कि कौन सा प्राइवेट बैंक कौन सरकारी बैंक है, और आप बैंकिंग करने के लिए आ गए। हालांकि बच्चे पहले के स्टूडेंट अवेयर नहीं होते थे, लेकिन आज के स्टूडेंट अवेयर है और आपको मालूम चल जाता है। तो आपको जैसे एक्सिस बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, सिटी बैंक फॉरेन का बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इंडस इंड बैंक हो गया, रत्नाकर बैंक लिमिटेड हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन सब के नाम याद करने पड़ेंगे कि ये प्राइवेट बैंक है, ठीक है? तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक। और आगे बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग से, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे? अच्छा, ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर आउट ऑफ इंडिया है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फॉरेन के बैंक। तो फॉरेन के बैंक इंडिया में किसके अंडर में काम करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में। अगर कोई इंडियन बैंक है जो अपनी ब्रांच फॉरेन में खोल रहा है, जैसे मान लो इंडियन बैंक है वो US में आके अपनी ब्रांच खोल रहा है, वो किसके अंडर में आएगा? तो वो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ USA के अंडर, इंडिया से कोई मतलब नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसमें इसमें एक चीज थोड़ी सी पूछी जाती है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बस ध्यान देना कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 3 लेवल पे काम करते हैं, 3 लेवल पर। एक होता है रूरल एरिया पे, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे। तो रूरल एरिया में कौन सा कोऑपरेटिव बैंक काम करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, सॉरी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, रूरल एरिया में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, नाम याद रख लेना। और स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बना है कि उस कोऑपरेटिव बैंक को हम क्या बोलते हैं जो सेंट्रल लेवल पे, जो स्टेट, जो डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक किस लेवल पे काम करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल काम करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो और बैंकिंग से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखें और क्या टॉपिक है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। आइए इस पर हम बात करते हैं, थोड़ा इस पर टाइम भी लेंगे हम लोग, ठीक है? देखिए, तो थोड़ी सी सफाई हो जाए,
चलिए, तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग में क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको डायरेक्टली आंसर देता हूं। जैसे आपके एग्जाम में नैरो बैंकिंग से क्वेश्चन बनता है, तो नैरो बैंकिंग का मतलब क्या होता है? नैरो बैंकिंग का मतलब छोटी सोच वाला बैंक। छोटी सोच वाले का मतलब कि कस्टमर ने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, ये पैसा बैंक को लोन देना चाहिए था, लेकिन बैंक सोच रहा है कि यार लोन बांटेंगे, मान लो हमारा एनपीए हो गया तो बैंक मैक्सिमम डिपॉजिट निकाल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नैरो बैंकिंग। तो नैरो बैंकिंग का मतलब वो बैंक जो अपना मैक्सिमम डिपॉजिट, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में करता है, उसे नैरो बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं? और क्वेश्चन बनते हैं ओवरसीज, ये ओवरसीज बैंक कौन से होते हैं? ओवरसीज बैंक कौन से होते हैं? तो ओवरसीज बैंक का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में काम कर रहा था और अभी जाकर ही कहां चला गया? यूएस, और यूएस में इसने अपनी ब्रांच ओपन कर ली। तो इंडियन बैंक की किसी और देश में ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ओवरसीज ब्रांच। और बैंकिंग को हम क्या बोलते हैं? ओवरसीज बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन किससे बनता है? और क्वेश्चन बनता है आपका ऑफशोर बैंक पे। ऑफशोर बैंक क्या होते हैं? ऑफशोर बैंक का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना इसको। ऑफशोर बैंक, बच्चे अक्सर ऑफशोर बैंक और ओवरसीज बैंक में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओवरसीज का मतलब इंडिया का बैंक था, इंडिया से बाहर जाकर किसी और देश में काम कर रहा है। तो अगर हम इंडिया में हैं और हम यूएस वाले एसबीआई की ब्रांच को हमें बुलाना, हम क्या बुलाएंगे? ओवरसीज ब्रांच बुलाएंगे। ठीक है, या ओवरसीज बैंकिंग बुलाएंगे। ऑफशोर का मतलब क्या होता है? देखो, हम यूएस की बात करते हैं। यूएस में एक बिजनेसमैन है बिल गेट्स ने अपना बिजनेस इंडिया में शुरू किया। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, बिलगेट्स ने अपना बिजनेस इंडिया में शुरू किया। अब बिलगेट्स ने अपना बिजनेस इंडिया में शुरू किया, इन्होंने क्या किया? इंडिया में, मान लो नोएडा में इन्होंने एक फैक्ट्री लगा दी, इन्होंने नोएडा में फैक्ट्री लगा दी। अब नोएडा में फैक्ट्री लगाई है तो वहां पर एम्प्लॉई है, काम करने वाले हैं, सैलरी वैलरी बांटना है। तो बिलगेट्स ने क्या किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवा लिया ताकि अकाउंट से अपना सारा ट्रांजेक्शन करेंगे। तो अब जरा सोच के बताओ कि अगर बिलगेट्स को हर महीने सैलरी बांटनी है तो क्या बिलगेट्स अमेरिका से इंडिया आएंगे सैलरी बांटने के लिए? वो यूएस में ही बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग से क्या करेंगे? पैसा अपना ट्रांसफर कर देंगे एम्प्लॉय को। तो ऑफशोर बैंक का मतलब होता है कि आपका जो बैंक है वो आपके देश में नहीं, किसी और देश में है। आपका जो बैंक है, आप किसी बैंक के कस्टमर हो, लेकिन आपका वो जो बैंक है वो आपके देश में ही नहीं है, वो किसी और देश में है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑफशोर बैंक्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्विस बैंक। कैसे भाई? स्विस बैंक कैसे? तो जरा मुझे बताओ, क्या स्विस बैंक की ब्रांच इंडिया में है? लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे इंडियंस का पैसा स्विस बैंक में जमा है, और स्विस बैंक कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। लोग इंडिया बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग से अपना अकाउंट ऑपरेट करते रहते हैं। ठीक है, ऑफशोर बैंक हम बोलते हैं। ठीक, और देख लीजिए, और क्या पूछा जाता है आपसे? और आपसे पूछा जाता है मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक क्या होता है उसके बारे में बात कर ले। देखिए, कुछ टफ नहीं है, केवल आपको भावनाओं को समझना होता है। मर्चेंट बैंक का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी लैंग्वेज में, जैसे आप जहां रहते हैं, जहां पर घर होगा, उसके घर के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होंगी जहां से आप अपने डेली लाइफ की चीजें लेते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोप ले लिया, ब्रश ले लिया, पाउडर ले लिया, बिस्किट ले लिया, नमकीन ले लिया, है ना? तो कई सारी दुकान होंगी, लेकिन आपका रिलेशन किसी एक दुकान से बढ़िया होता है। और उस दुकान पे क्या लिखा होता है? जर्नल मर्चेंट की दुकान, मतलब कि जहां पर आपको आपके लाइफ की सारी चीजें मिल जाए। तो मर्चेंट बैंक का मतलब भी यही होता है, एक बिजनेसमैन और एक बैंक आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये जो बैंक है, अब ये बिजनेसमैन के सारे फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करेगा, इन्हें लोन देगा, इनके बिजनेस में एज ए पार्टनर इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर बैंक के पास पैसे नहीं है तो कहीं और से पैसे का जुगाड़ करेगा, सारा काम इनका करेगा मर्चेंट बैंक। ठीक है, यानी ये बिजनेसमैन को प्रमोट करता है। तो मर्चेंट बैंक, बच्चे हमेशा मर्चेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंक में गलती कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब क्या हुआ? तो आइए मैं आपको समझाता हूं इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे सीए नहीं होते, सीए काम करते हैं, मेरे पास पैसा है, मुझे टैक्स से बचना है और ग्रोथ लेनी है, मैं सीए के पास जाता हूं, सीए मुझे इंफॉर्मेशन देता है कि मुझे यहां यहां इन्वेस्टमेंट करना है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं। मैंने किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को चूज कर लिया, जैसे बहुत बड़े बड़े फर्म्स हैं, बाकले है, मॉर्गन स्टेनली है, जेपी मॉर्गन है, ये सब क्या है? ये सब एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करते हैं। तो मैंने, मान लीजिए, बार्कले बैंक से एग्रीमेंट कर लिया। अब मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा इन्वेस्टमेंट ये देखेगा, ये मुझे एडवाइस करेंगे, ये मुझे गाइड करेंगे, मुझे कहां, ये इनका काम केवल इन्वेस्टमेंट का है। इनका काम इन्वेस्टमेंट भी है, लोन भी है, कहीं और से पैसे लाने में है। जैसे मैं आपको एक दिन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पढ़ा रहा था,
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ठीक है, तो मुझे ईसीबी लेना है तो मैं अपने बैंक से बात करूंगा, मेरा बैंक जुगाड़ कर देगा कि आप यहां से पैसे उठाओ, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, तो देख लीजिएगा इसे। जैसे यूनिवर्सल बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है, तो एक बैंक अगर आपको सारे के सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक। तो इंडिया का पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा था, आईसीआईसीआई बैंक था, एच आर खान कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे बनाया गया था इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, पीछे आते हैं, नाबार्ड और आरआरबी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देख लेते हैं नाबार्ड और आरआरबी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नाबार्ड एक्ट कब आया, तो नाबार्ड एक्ट आया 1881 में, और नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ, और नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ, 1982 में। आरआरबी की बात कर लें, रीजनल रूरल बैंक की बात कर लें, तो आरआरबी का एक्ट कब आया, आरआरबी का एक्ट आया 1976 में, लेकिन आरआरबी कब बना, तो आरआरबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। आरआरबी में एक्ट बाद में आया था, एस्टैब्लिशमेंट पहले हुआ था, नॉर्मली क्या होता है एक्ट पहले आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट बाद में होता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नाबार्ड किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश हुआ, तो नाबार्ड हुआ था शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। वहीं अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी हुआ था नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरआरबी के बहुत सारे बैंक हैं, तो इसमें आरआरबी कितने बैंक हैं, तो इसमें राइट नाउ आरआरबी के 44 बैंक हैं, लेकिन भारत सरकार ने यह कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हम आरआरबी को 36 कर देंगे, 36 आरआरबी बचेंगी हमारे देश में, ये हमारी गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। और देख लीजिए नाबार्ड की इनिशियल कैपिटल कितनी थी, नाबार्ड की इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ थी। राइट नाउ नाबार्ड की कैपिटल कितनी है, तो राइट नाउ नाबार्ड की कैपिटल 30,000 करोड़ रुपए है। नाबार्ड किसके अंडर में काम करता है, तो नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। आरआरबी किसके अंडर में काम करता है, तो आरआरबी नाबार्ड के अंडर में काम करता है, ध्यान देना, ठीक है। अगर आरआरबी की बात करें तो आरआरबी की कैपिटल में कौन कौन कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरआरबी की कैपिटल में कंट्रीब्यूट कितना करती है, ठीक। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर लें, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें, एंड स्पॉन्सर्ड बैंक की बात कर लें, स्पॉन्सर्ड बैंक 35% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट 15% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती है आरआरबी की कैपिटल में। हालांकि आरआरबी अमेंडमेंट बिल आ चुका है, और उस बिल के हिसाब से क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पॉन्सर्ड बैंक का मिला जुला के शेयर 51% से कम नहीं होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर होना चाहिए, उसके बाद आरआरबी अपने शेयर बेच सकती है। हालांकि ये फाइनली अप्रूवल अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नाबार्ड की सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नाबार्ड की सब्सिडरी है नैपकॉन्स, नैपफिम्स, एबीएफएल, नैप किसान, नैप वेंचर्स, ये 5 सब्सिडरी नाबार्ड की हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो जो मैंने आपको यहां पर दिखा दिया, ठीक है। नाबार्ड आरआरबी की हम बात कर रहे थे, हाँ आरआरबी पूरे देश में है लेकिन 2 जगहों पर नहीं है, तो आरआरबी गोवा एंड सिक्किम में नहीं काम करते हैं, आरआरबी गोवा और सिक्किम में काम नहीं करते हैं, यह भी याद कर लीजिएगा। पहला आरआरबी कौन सा था, तो पहला आरआरबी था प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि मुरादाबाद में खुला था, और प्रथमा ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक था सिंडिकेट बैंक, ठीक है, ठीक। नाबार्ड की बात हम लोग कर रहे थे, तो नाबार्ड ने मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अभी कि नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ चुका है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाबार्ड की सब्सिडरीज नैपकॉन्स, नैपफिन्स, एबीएफएल, नैप किसान, नैपवेंचर्स, नैपवेंचर्स 700 करोड़ रुपीज में अभी नाबार्ड ने शुरू किया है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या टॉपिक रह गए हमारे पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी एंड एनपीए, ठीक है, आते हैं थोड़ा सा सफाई करते हैं इसकी। आरबीआई पर और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आरबीआई की हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी, आरबीआई की हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है।
और देख लेते हैं आरबीआई पर और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई की सब्सिडरी, तो आरबीआई की सब्सिडरीज कौन कौन सी है, तो एक तो आपका है कौन सा डीआईसीजीसी, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका है बीआरबी एनएमपीएल, और तीसरा आपका जो है वो है आरबीई, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी एक आईटी कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मतलब अंडर में काम करने वाली एक आईटी कंपनी है वो है, ठीक। एनएचबी हुआ करता था लेकिन एनएचबी अब गवर्नमेंट के अंडर में चला गया, आपको पता ही है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के अंडर में काम करने वाली ये तीन कंपनी है। आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने लोग होते हैं, तो आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में 21 लोग होते हैं, 21 लोग होते हैं, ठीक है। आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है, आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनके नाम याद करके जाइएगा, ठीक। और क्वेश्चन क्या बन सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, कि बीआरबीएनएमपीएल की बात करें तो कहां कहां करेंसी प्रिंट होती है, तो हमारे देश में चार जगह पे करेंसी प्रिंट होती है, ये चार जगह कौन कौन से हैं, नासिक है, देवास है, सालबोनी है और मैसूर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सालबोनी और मैसूर में ही बीआरबीएनएमपीएल बस काम करता है। करेंसी भले हमारे देश में चार जगह होती है लेकिन बीआरबीएनएमपीएल की बात करें तो ये केवल सालबोनी, वेस्ट बंगाल और मैसूर, कर्नाटका, यहीं पर अधिकार रखता है, बल्कि नासिक और देवास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SPMICL काम करती है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो काम करती है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। और क्वाइन की बात करें तो हमारे देश में क्वाइन कहां कहां बनते हैं, तो हमारे देश में क्वाइन चार जगह बनते हैं, एक बनता है कोलकाता में, एक बनता है नोएडा में, एक बनता है मुंबई में, एक बनता हैदराबाद में, ठीक है। क्वाइन की बात करें तो क्वाइन, जितने भी क्वाइन है और 1 रुपीज का नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, बाकी के जो भी नोट है 2 रुपए से 2 रुपए उसके ऊपर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद और टॉपिक क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी और एनपीए। पहले हम एनपीए कवर करेंगे फिर मॉनिटरी पॉलिसी कवर करेंगे, ठीक है। तो एनपीए में आपको क्या क्या पढ़ना होता है ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको एनपीए का डे पढ़ना पड़ेगा। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होता है वो 90 दिन के बाद माना जाता है, लेकिन अगर एमएसएमई के लिए बात करें तो एमएसएमई के लिए इसको 180 दिन रखा गया है, ठीक है। एनपीए मतलब कि अगर किसी बैंक को पैसा मिलना था, इंटरेस्ट मिलना था, जिस तारीख को मिलना था उस तारीख से अगर 90 दिन का गैप हो गया तो बैंक इसे एनपीए में डिक्लेयर कर देता है, लेकिन एमएसएमई के लिए 180 दिन होता है, ठीक है। जैसे 1 तारीख को बैंक को पैसा मिलना था, नहीं मिला और कंटिन्यूअस गैप हो गया, तो जैसे ही 90 दिन बीतेगा बैंक अपने इस लोन को क्या बोल देगा, बैंक अपने इस लोन को एनपीए में डिक्लेयर कर देगा। लेकिन डायरेक्टली एनपीए नहीं होता है, एक्चुअली इसको बैंक 3 पार्ट में डिवाइड करता है। 3 पार्ट कौन से, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। तो एक मतलब ये स्टार्टिंग के 30 डेज को स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 बोलता है बैंक, पैसा नहीं मिला। फिर नेक्स्ट 30 डेज को क्या बोलता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट A1 मतलब 1, और नेक्स्ट 30 डेज को स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, ठीक। 90 डेज जैसे ही एनपीए हुआ, अब चलो एनपीए से टाइम आगे बढ़ गया और बैंक को पैसा नहीं मिला, तो एनपीए से अगर 1 साल बीत जाते हैं तो बैंक इसे क्या बोलता है, बैंक इसे सब स्टैंडर्ड एनपीए बोलता है। अगर सब स्टैंडर्ड से भी 1 साल आगे बढ़ जाते हैं और बैंक को पैसा नहीं मिला तो बैंक इसे क्या बोलता है, डाउटफुल बोलता है। और डाउटफुल से भी अगर 1 साल बढ़ जाते हैं, बैंक को कुछ नहीं मिलता, तो बैंक इसे लॉस बोलता है, ठीक है, लॉस। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनपीए का टाइम पीरियड 90 डेज, एसएमए 0 का 30, एसएमए A1 का 30+30=60 और एसएमए 2 का 30+30=30, ठीक है। और सब स्टैंडर्ड का 1 साल, डाउटफुल का 1+1 साल 2 साल और लॉस का 1 साल 1 साल 1 साल मतलब 3 साल। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। और जैसे क्रॉप की बात करें, क्रॉप में कैसे एनपीए कैलकुलेट होता है, तो आपको पता है कि हमारे देश का जो क्रॉप होता है वो 2 तरह से होता है, एक होता है 6 मंथ क्रॉप और एक होता है 12 मंथ क्रॉप। तो अभी के लिए रट्टा मार लीजिए, 6 मंथ क्रॉप के लिए याद कर लीजिए 2 सीजन, 2 सीजन के बाद बैंक इसे एनपीए में डिक्लेयर कर देगा, और 12 मंथ के लिए 1 सीजन के बाद बैंक इसे एनपीए में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो बस याद कर लीजिए और कुछ मत करिए, ठीक है। इतना याद किए रहेंगे एग्जाम में आप करके चले आएंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद रिकवरी पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम उसकी बात कर लें। तो एनपीए में ही अभी रिकवरी की हम बात करेंगे, ठीक है।
रिकवरी ऑफ एनपीए की बात करें तो आपको सबसे पहले सरफजई एक्ट का फुल फॉर्म लर्न करना पड़ेगा। तो सरफजई एक्ट पढ़ लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सरफजई एक्ट कब आया? 2002 में आया। इसका फुल फॉर्म मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपको नहीं पता लिख लीजिएगा। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो सरफजई का फुल फॉर्म आपको लर्न करना पड़ेगा, 2002 में ही आया था, ठीक है। इसमें बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बस आपको याद रखना है कि कोई भी बैंक किसी कस्टमर के ऊपर अगर सरफजई एक्ट लगाएगा तो बिफोर 60 डे उस बैंक को कस्टमर को नोटिस देना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर लोन पर यह एक्ट नहीं लगता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, यह पॉइंट आपको लर्न करना है। इसके बाद आपको डीआरटी का फुल फॉर्म लर्न करना पड़ेगा, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और एक फुल फॉर्म और DRAT, डेप्ट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, यह नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव फुल फॉर्म, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ARC का फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, और एक नाम याद कर लीजिएगा ARCEL, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारे देश की सबसे बड़ी ARC है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था आपका 2002। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ARCEL के बारे में, ठीक है। तो रिकवरी की हम बात कर रहे थे, ये सब याद कर लीजिएगा। इसके बाद लोक अदालत से क्वेश्चन नहीं बनता आपके एग्जाम में। मान लीजिए कभी बने कि स्मॉल जो छोटे छोटे एनपीए होते हैं उसकी रिकवरी कहां से होती है, तो उसकी रिकवरी होती है बेटा कहां से? लोक अदालत से। ये भी याद कर लीजिएगा, लोक अदालत। अच्छा, और याद करिएगा डीआरटी में कौन से मामले जाते हैं एनपीए के? तो डीआरटी में जो मामले जाते हैं एनपीए के वो 20 लाख या उसके ऊपर के मामले ही जाते हैं, उससे कम के मामले डीआरटी में नहीं जाएंगे, उसके ऊपर के मामले डीआरटी में नहीं जाते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये रिकवरी में ही आता है, लेकिन बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसकी बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ठीक है, एनपीएम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और हम पीछे जरा आए, देखिए और टॉपिक क्या रह गया हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है। तो डायरेक्ट की बात करें, तीन आते हैं, फर्स्ट इज CRR, सेकंड इज SLR, एंड थर्ड इज रीफाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, टर्म रेपो, और एक आपका MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं और इनडायरेक्ट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। इनके रेट याद करके जाइएगा, इनके रेट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहां से आएगा कि इसका रेपो रेट कितना चल रहा है, CRR कितना चल रहा है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो एक तो ये आपको लर्न करना, ठीक है। एक चीज और देख लीजिएगा, NDTL का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि बैंक CRR मेंटेन करते हैं RBI के पास किस एक्ट के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू? तो CRR के लिए RBI एक्ट है, RBI एक्ट 1934 सेक्शन 42, और SLR की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24। तो ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR को कम करता है तो क्या होता है, बढ़ाता है तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे।
तो अगर आरबीआई सीआरआर को कम करेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक। और अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। यही सेम केस एसएलआर के साथ भी होगा, सेम केस एसएलआर के साथ भी होता है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके एग्जाम में एलएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। एलएफ का फुल फॉर्म क्या है, एलएफ का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएफ का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। अच्छा, और क्वेश्चन कैसे बनता है, और क्वेश्चन आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से बन जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कौन, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कितने इसमें मेंबर होते हैं, इसमें 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर इसमें होते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं और 3 आरबीआई की तरफ से अपॉइंट होते हैं, यह भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। आरबीआई रेपो रेट को, देखो ऐसे क्वेश्चन होता है, आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा तो क्या होगा, तो अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और अगर आरबीआई रेपो रेट को डाउन करेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी अगर मनी अरे बढ़ाएगा अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी मतलब इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ओपन मार्केट ऑपरेशन से पूछा जाता है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है तो क्या होगा, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है तो मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। और अगर आरबीआई रिजर्व आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करता है तो क्या होता है, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करता है तो पैसा इंजेक्ट हो जाएगा, इंजेक्शन मतलब बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी से बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसके पहले कहीं मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़े थे तो जो जो मैंने बताया बस उतना अंतर ले जाओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप करके चले जाओगे। तो गाइस ये था हमारा सेशन जहां पर हमने बात ही किसकी, जहां पर हमने हिस्ट्री ऑफ बैंक, बेसिक ऑफ बैंक, स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, नाबार्ड, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी और एनपीए क्वेश्चन आंसर देखे। आप भी पढ़ के जाइएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, रिवीजन करने के लिए बहुत बढ़िया क्लास है। मिलते हैं पार्ट टू में, पार्ट टू में फिर से टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और याद रखें हमारा प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है, एडमिशन लेना शुरू करें अगर आपको एडमिशन लेना है तो, और इस कोड के थ्रू अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मचाते हैं धमाल, थैंक यू सो मच।